हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं बताऊँगी ब्लैक हेड से हमें छुटकारा कैसे मिले। गाइज, हमारे आसपास में प्रदूषण, धूल मिट्टी, गंदगी के कारण हमारे पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं और जिसके कारण हमें हमारे फेस पे पिंपल, रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो गाइस, हमारे नोज़ एरिया में बहुत काले काले दाने हो जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। बहुत सारे उपाय करते हैं बट हर दूसरे दिन हमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और हम उसका उपाय ढूंढते रहते हैं कि मैं इसमें ऐसे क्या लगाऊं कि ये ख़त्म हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि आप अपने फेस पर क्या लगाओ ताकि आपके ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो गाइज, आज मैं बताऊंगी कि बेकिंग सोडा से हम ब्लैक हेड्स को कैसे हटा सकते हैं, ब्लैक हेड्स से कैसे निजात पा सकते हैं बेकिंग सोडा। जी हाँ गाइज, बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में तो होते ही हैं, हमारे घरों में, हमारे किचन में, हमारे खाने में यूज़ होते हैं। तो आज मैं बेकिंग सोडा में लाऊंगी गुलाब जल और आप इसे अपने नोज़ एरिया में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक चम्मच के करीब बेकिंग सोडा ली हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे गुलाब जल। एक स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लायक इसमें गुलाब जल डालेंगे ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। तो बेकिंग सोडा गाइस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए, तो ये ब्लैक हेड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे मिला लूँगी। तो गाइस, आपको ये डेली करना है क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे नोज़ में ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, काले काले दाने दिखने लगते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी ख़राब लगते हैं। तो चलिए मैं इसे लगा लेती हूँ। तो अब हम इस पेस्ट को अच्छे तरीके से अपने नोज़ एरिया में लगा लेंगे और इसे लगाने के बाद आप देखेंगे गाइस, आपके ब्लैक हेड्स पूरी तरीके से गायब हो चुके होंगे। जब आप इसे धुलेंगे तो आप देख कर दंग रह जाएंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा लिया है। तो मैं इसे दो तीन मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब तो गाइस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये सूख भी गया है। तो अब हम इसे छुड़ा लेते हैं। इसे हमें स्क्रब करते हुए इस तरीके से छुड़ाना है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथों से स्क्रब करना है ताकि रैसेस ना हो, स्किन पे छीले ना, क्योंकि ये दानेदार होता है गाइस। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है और इसके बाद इसे वॉश कर लेना है। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय।